भारत की मेजबानी में होने जा रहे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने जा रही। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस दौरान भारत के 10 स्थानों पर कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कोलकाता का ईडन गार्डन्स का मैदान भी शामिल है। फिलहाल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने यहां पर होने वाले मैचों के लिए टिकट की घोषणा कर दी है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 63,500 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और यहां पर वर्ल्ड कप के कुल 5 मैच खेले जाएंगे, जिसमें एक सेमीफाइनल मुकाबला भी शामिल है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि ईडन गार्डन्स में होने वाले विश्व कप सेमीफाइनल और भारत अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए टिकट की कीमत 900 रुपए से 3,000 रुपए के बीच रखी गई है। इन मैचों के लिए टिकट की कीमत सभी अपर के लिए 900 रुपए होगी, जबकि डीएच ब्लॉक के लिए 1,500 रुपए होगी। वहीं सीके ब्लॉक के लिए 2,500 रुपए और सबसे पास बीएल ब्लॉक के लिए टिकट की कीमत 3,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच भी मैच खेला जाएगा। यहां की टिकट सबसे सस्ती होगी। इस मैच को देखने के लिए फैंस को 650 रुपए से लेकर 1,500 रुपए देने होंगे, जहां पर अपर टियर के लिए 650 रुपए देने होंगे। वहीं बीसीकेएल ब्लॉक के लिए 1,500 रुपए लगेंगे, जबकि डी और एच ब्लॉक के लिए 1,000 रुपए देना होगा। वहीं इस मैदान पर पाकिस्तान को इंग्लैंड और बांग्लादेश से भी 2 मैच खेलने हैं। इन दोनों मैचों के लिए टिकट की कीमत 800 रुपए से 2,200 रुपए रखी गई है। वैसे इन टिकटों के रेट से आप कितना संतुष्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।